हेलो स्टूडेंट्स, आज 1 अक्टूबर 2018 है और आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। करंट अफेयर के साथ साथ जितने इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं अन एकेडमी पर भी पढ़ाता हूँ। अन एकेडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे इस तरह का प्रोफाइल ओपन होगा, फॉलो बटन पर क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। अन एकेडमी पर मैंने 3 से 4 टॉपिक पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बनाकर कवर किए हैं। वो कौन कौन से टॉपिक हैं? भारत के पूरे राज्यों के बारे में, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 2018, 2018 में अब तक जितने भी अवार्ड दिए गए हैं और नई नियुक्तियों के बारे में। इन 4 टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो बनाए हूँ, अलग अलग पार्ट में, वो आपको जरूर देखना चाहिए। देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सभी का, आप उन पे क्लिक करके उन वीडियोज को देख सकते हैं। कोई पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में आप देख सकते हैं और जरूर देखिए। मैं सलाह आपको दूंगा, जरूर देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। अब चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, जर्मनी के मॉडल पर आधारित देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? कौन सा बना है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ऑप्शन ए राइट आंसर है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जर्मनी के हिंडलबर्ग रेलवे स्टेशन है एक, उसी के तर्ज पर यह आधारित रेलवे स्टेशन बना है। यह जो आप मैप में देख रहे हैं यही है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ठीक है, देश में इस वक्त रेलवे के स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यक्रम चल रहा है। इसी के उद्देश्य से रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट की तरह बनाने का काम चल रहा है। ठीक है, तो भारत सरकार का यह उद्देश्य है, रेलवे मंत्रालय का यह उद्देश्य है कि सारे रेलवे स्टेशनों को धीरे धीरे एयरपोर्ट की तरह बना दिया जाएगा। एक और चीज जानिए, ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इसका निर्माण किया जा रहा है। क्या चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर वर्ष 6 क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार में किस क्षेत्र के पुरस्कार को 2018 के लिए स्थगित कर दिया गया है? किस क्षेत्र के लिए? साहित्य के क्षेत्र में 2018 में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, बाकी 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। क्यों स्थगित किया गया है, कारण जान जाइए। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश एकेडमी, स्वीडिश एकेडमी जो है संस्था, वही नोबेल पुरस्कार का वितरण करती है। यही संस्था की सदस्य है एक कैटरीना। कैटरीना के पति जेन क्लोड अर्नोल्ड पर लगे यौन शोषण के आरोप के चलते स्वीडिश एकेडमी आलोचनाओं के घेरे में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आलोचना हुआ था, आप लोगों को पता ही होगा। इसलिए स्वीडिश एकेडमी ने इस वर्ष यह फैसला लिया है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो बात यौन शोषण से रिलेटेड है। अब यहाँ पे कुछ और टॉपिक मैं बताऊंगा, वो ध्यान से सुन लीजिए। 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? शांति का क्षेत्र है, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में। ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1901 ईस्वी में। किसने शुरुआत की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के हैं और उन्होंने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब एक चीज और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। साहित्य का बात चल गया तो भारत में अभी तक सिर्फ एक व्यक्ति को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कौन है वो? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और भारत के ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, चाहे किसी भी क्षेत्र में। अब जानते हैं 2017 में किन्हें किन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं यहां से क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक देखिए और नोट भी कर लीजिए। शांति के लिए आइकेन को दिया गया है। आइकेन एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स। और भौतिक के क्षेत्र में दिया गया था कीप थोरने, अमेरिका के हैं, बैरी बेरिश अमेरिका के हैं और रेनर विश ये जर्मनी के हैं। ये 3 लोगों को संयुक्त रूप से भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। रसायन के क्षेत्र में भी 3 लोगों को दिया गया था संयुक्त रूप से, जोकिम फ्रैंक जर्मनी के हैं, रिचर्ड हेंडरसन इंग्लैंड के हैं एवं जैक्स डबोशेट ये स्विट्जरलैंड के हैं। ठीक है, अब बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में। काजुओ इशिगिरो को दिया गया था और ये जापान के हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रिचर्ड थेलर को दिया गया था, ये अमेरिका के हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी 3 लोगों को दिया गया था नोबेल पुरस्कार 2017 का। माइकल डब्ल्यू यंग को, ये अमेरिका के हैं। माइकल रोसबाश ये भी अमेरिका के हैं।
जेफरी सी हॉल, ये भी अमेरिका के हैं। यानी चिकित्सा के क्षेत्र में जिन्हें भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है वे सभी के सभी अमेरिका के हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाचार पत्र प्रभात खबर द्वारा 30 सितंबर को कितने गुरुजनों को गुरु सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया? 41 गुरुजनों को, यानी शिक्षकों को। ठीक है, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किए थे, 41 लोगों को, शिक्षकों को गुरु सम्मान दिया है प्रभात खबर द्वारा। इसका आयोजन प्रभात खबर किया था, लेकिन किसके हाथ से यह पुरस्कार वितरण किया गया? राज्यसभा के उपसभापति जो हैं हरिवंश नारायण सिंह, उन्हीं के हाथ से यह पुरस्कार का वितरण किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? पटना में, बिहार की राजधानी पटना में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीके अग्रवाल को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? हिमाचल प्रदेश का, ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। ठीक है, किनकी जगह पर इन्हें नियुक्त किया गया है? विनीत चौधरी के जगह पर। अब बीके अग्रवाल यहाँ के मुख्य सचिव हो गए हैं हिमाचल प्रदेश के। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में जान जाइए। हिमाचल प्रदेश की गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। सीएम है जयराम ठाकुर, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश है यहाँ के एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश है संजय कैरोल। लोकसभा सीट की संख्या 4, राज्यसभा सीट की संख्या 3, विधानसभा सीट की संख्या 68। लोक नृत्य यहाँ का नाती कयांग माला। नेशनल पार्क है यहाँ का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क। ठीक है, अब बात करते हैं बांध के बारे में। बांध को इंग्लिश में डैम बोलते हैं। पंडोह डैम, लार्जी डैम तथा पोंग डैम, ये सभी ब्यास नदी पर हैं। भाखड़ा नंगल डैम, कोल डैम, नथपा झाकरी डैम, ये सभी सतलुज नदी पर हैं। चमेरा डैम रावी नदी पर है। ठीक है, तो स्टेट के बारे में इसी तरह से इन्फॉर्मेशन मैं बनाया हूँ, बहुत अच्छे से, इससे भी बेहतर तरीके से बनाया हूँ। उस वीडियो का आप जरूर देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है, मैप के साथ मैं बताया हूँ। ठीक है, उसमें वीडियो में मैप के साथ मैं आप लोगों को बताया हूँ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर को कहाँ पर आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण सुविधा केंद्र सहित आधुनिक अत्याधुनिक चॉकलेट संयंत्र का उद्घाटन किया? कहाँ पर किया? आनंद में, ऑप्शन ए राइट आंसर है। आनंद कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, और ये जो अत्याधुनिक चॉकलेट संयंत्र, अत्याधुनिक खाद्य प्रसंस्करण सुविधा केंद्र, ये किसका है? अमूल का है। अमूल कंपनी आप लोग जाने हुईगा, अमूल दूध का प्रोडक्ट बनाता है। आप जानिए आनंद गुजरात में है, तो गुजरात का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ था। इसकी कैपिटल है गांधीनगर। सीएम है विजय रूपानी, राज्यपाल हैं ओम प्रकाश कोहली, मुख्य न्यायाधीश हैं आर सुभाष रेड्डी। लोकसभा सीट की संख्या 26, राज्यसभा सीट की संख्या 11, विधानसभा सीट की संख्या 182। लोक नृत्य यहाँ का डांडिया तथा गरबा। नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंशदा नेशनल पार्क तथा मरीन नेशनल पार्क, जिसे गल्फ ऑफ कच्छ भी कहा जाता है, ये सभी के सभी गुजरात में है। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ कई बार क्वेश्चन में पूछा, गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पर है? यानी कच्छ की खाड़ी, वो गुजरात में है। बांध, अब बांध के बारे में बात करते हैं। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर है, उकाई डैम ताप्ती नदी पर है तथा धरोवी डैम साबरमती नदी पर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात किए हैं थोड़ा सा अमूल के बारे में, तो अमूल के बारे में जान जाइए। अमूल जो कंपनी है उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1946 ईस्वी में, और किसने स्थापना की थी? वर्गीज कुरियन ने, और वर्गीज कुरियन वही है जिन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। आईसीसी द्वारा जारी ताजा वनडे रैंकिंग में कौन सा भारतीय खिलाड़ी दूसरे स्थान पर है? रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर आ गए हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर विराट कोहली हैं आईसीसी रैंकिंग में, और दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा, यानी पहले और दूसरे स्थान पर दोनों खिलाड़ी भारतीय हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन आपके लिए। और भी रैंकिंग है, उसके बारे में जान जाइए। बॉलिंग में कौन पहले स्थान पर है पूरे विश्व में इस वक्त? जसप्रीत बुमराह है एक नंबर पे। ठीक है, ऑलराउंडर में कौन पहले स्थान पर है? राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान के हैं। देश में कौन सा देश पहले स्थान पर है आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में? पहले स्थान पर है भारत, और दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड, तो इतना चीज ध्यान में रखिएगा। अब आईसीसी का बात चल गया, तो आईसीसी के बारे में जान जाइए। इसकी स्थापना हुई थी 1909 ईस्वी में, लेकिन उस वक्त इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल। बीच बीच में इसके बहुत सारे नाम चेंज हुए, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका नाम दिया गया 1989 में। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन है आईसीसी के शशांक मनोहर।
सीईओ हैं डेविड रिचर्डसन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवनिर्मित निवाड़ी जिला किस राज्य का 52वां जिला बना है? ठीक है, नया जिला का निर्माण हुआ है किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब तक मध्य प्रदेश में 51 जिले थे, अब 52 जिले हो गए हैं। जो मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नाम भी याद रखिएगा इस जिला का, निवाड़ी जिला। अब यहाँ के डीएम कौन बने हैं? अक्षय कुमार सिंह बने, जो कि अस्थायी डीएम बने हैं, उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। अब जानिए मध्य प्रदेश के बारे में, इसका गठन कब हुआ था? 1956 में, 1 नवंबर 1956 में। कैपिटल है भोपाल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश है हेमंत गुप्ता। लोकसभा सीट की संख्या 29, राज्यसभा सीट की संख्या 11, विधानसभा सीट की संख्या 230। लोक नृत्य है यहाँ का तेरताली, चारकूला तथा मटकी डांस। नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पेंच यानी प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क तथा डायनासोर नेशनल पार्क, सभी के सभी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इंदिरा सागर बांध, बारगी बांध, नर्मदा बांध तथा ओमकारेश्वर बांध, सभी के सभी नर्मदा नदी पर हैं मध्य प्रदेश में। एक गांधी सागर बांध भी है जो कि चंबल नदी पर है। तो इतने सारे स्टेट के बारे में मैं डेली आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। आप कितने लोगों को पूरे स्टेट का याद हो गया है? अगर जिनको भी याद हो गया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत लगता है पूरे स्टेट के बारे में इन्फॉर्मेशन देने में, अगर आप लोगों को याद हो गया है तो मुझे बहुत खुशी होगी। जिनको भी याद हो गया है, जितना भी स्टेट के बारे में बताया हूँ, नीचे कमेंट जरूर करिएगा, स्कोर के साथ साथ कमेंट भी कर दीजिएगा सर मुझे याद हो गया है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने नील कुरुंजी संरक्षण योजना शुरू की है? किसने शुरू की है? तमिलनाडु की सरकार ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, नील कुरुंजी क्या है? यह एक तरह का पौधा है जिसका फूल 12 साल में एक बार उगता है। ठीक है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 12 साल में एक बार इसका फूल उगता है और बहुत ही सुहावना दृश्य होता है। इन क्षेत्रों में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में यह पौधा निकलता है नील कुरुंजी। और जब भी यह पौधा निकलता है तो देश विदेश से पर्यटक आते हैं इसे देखने के लिए। ठीक है, लाल, पर्पल, हरा, नीला, इन सभी कलर में यह फूल होता है। ठीक है, तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर पश्चिमी घाट के शोला वन, पूर्वी घाट के शेवराय वन, केरल के अनामलाई हिल्स और अगाली हिल्स, कर्नाटक के सुंदरू हिल्स में ये ज़्यादातर ये पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, सुंदर दृश्य का कारण देश विदेश से लोग आते हैं इसे देखने के लिए। अभी इसका आंसर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के बारे में जान जाइए, इसकी गठन हुई थी 26 जनवरी 1950 को, कैपिटल है चेन्नई, सीएम है ईके पलानीस्वामी, गवर्नर यानी राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, मुख्य न्यायाधीश हैं विजय कमलेश ताहिल रामानी, लोकसभा सीट की संख्या 39, राज्यसभा सीट की संख्या 18, विधानसभा सीट की संख्या 234। यहाँ का बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य है भारत नाट्यम तथा कड़ागट्टम। अब नेशनल पार्क देखिए, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जिसे आनामलाई नेशनल पार्क भी कहा जाता है, मुडुमलाई नेशनल पार्क, ये सभी के सभी तमिलनाडु में है। अब बात करते हैं डैम के बारे में। ग्रैंड अनिकट जिसे कलानाई डैम कहा जाता है तथा मेट्टूर डैम, ये दोनों कावेरी नदी पर हैं। भवानी सागर डैम है एक, ये भवानी नदी पर है। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वैज्ञानिक चार्ल्स काओ का 84 वर्ष की आयु में हांगकांग में निधन हो गया, उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? भौतिक के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, 3 चीज़ें ध्यान में रखिए, एक भौतिक के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, चार्ल्स काओ कहाँ के रहने वाले थे, ये चीन के रहने वाले थे। ठीक है, और इन्हें कब नोबेल मिला था, 2009 में इन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किस कार्यक्रम के तहत 9वीं से स्नातकोत्तर तक की 15 लाख कक्षाओं को डिजिटल कक्षा में बदलने की घोषणा की गई है? किस कार्यक्रम के तहत, उसका नाम है, इस योजना का नाम है ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नहीं करिएगा, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड इसका नाम है। ठीक है, यानी डिजिटल रूप से पढ़ाई किया जाएगा स्कूल में 15 लाख कक्षाओं में, लगभग 9वीं से लेकर स्नातकोत्तर यानी मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर जो कर लेता है उसे मास्टर डिग्री मिल जाता है। ठीक है, एमए, एमकॉम या फिर एमटेक बोलिए, एमएससी भी बोलिए,
बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं स्नातक और स्नातकोत्तर। तो स्नातकोत्तर जो है मास्टर डिग्री को कहा जाता है और स्नातक बैचलर डिग्री को कहा जाता है, ठीक है, इतना चीज ध्यान में रखिएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, ये कौन से मंत्री हैं? मानव संसाधन विकास मंत्री हैं भारत के, HRD मिनिस्टर। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपके सामने एक लिंक खुलेगा, उस लिंक पे आपको PDF अवेलेबल है, और भी दिन का वहाँ पे PDF मिल जाएंगे, चाहे आप किसी भी दिन का करंट अफेयर का PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में पहला बहु कौशल पार्क स्थापित करने के लिए $150 मिलियन देने की घोषणा की है? सभी लोगों ने सही उत्तर दिया था, मध्य प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट की संख्या 404, ऑप्शन सी राइट आंसर है, जिसमें से 403 सीट पर चुन के आते हैं और एक सीट को राज्यपाल मनोनीत करता है। अब आज का क्वेश्चन करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, NFRA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है, और साथ साथ में NFRA का फुल फॉर्म भी आपको लिखना है, ध्यान में रखिएगा, फुल फॉर्म जरूर लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, तमिलनाडु में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिख दीजिए, कल मैं इसका आंसर आप लोगों को बताऊंगा। अन एकेडमी पे आप मुझे फॉलो करिए करिए, वहाँ पे मौजूद सारे वीडियो आप देख लीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत मेहनत लगा है उन वीडियोज़ को बनाने में, आप जरूर देखिए उन वीडियोज़ को, बहुत फायदा होगा आप लोगों का। करंट अफेयर के साथ साथ वो अगर वीडियो देख लेते हैं, बहुत बेहतर आपका करंट अफेयर हो जाएगा। थैंक यू।